सो आज हमारी क्लास नंबर 25 है। 24 क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने लास्ट क्लास में कांग्रेस के जितने भी सेशन हुए थे उसके बारे में देखा था। सो आज हम देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन के चरण, जो भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं उसके चरण देख लेंगे आज। बेसिकली ये तीन चरण हुए थे, प्रथम, सेकंड और थर्ड। इसका जो टेन्योर रहा था वो 1885 से, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तब से, 1905, ठीक है। सेकंड जो चरण है वो 1905 से 1919 तक, और नाइनटीन थर्ड चरण 1919 से 1947 आज़ादी तक। इसको हम बोलते हैं गरम दल वाला, गरम दल ये वाला जाना जाता है नरम दल के वहाँ से। इनमें नरम दल का वो था, डोमिनेंस ज़्यादा था, इसमें गरम दल का था और इसमें गांधीवाद था, गांधी जी का, ठीक है। अब इसमें देखेंगे, मुख्यतः देखेंगे हम जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें सब कुछ देखेंगे, जैसे इसके कारण क्या थे, इसके प्रमुख नेता कौन से थे, जो भी चरण थे प्रमुख नेता कौन से थे, इसमें कौन कौन से विचारधारा कैसी थी इसकी, इन सब चरणों की, ठीक है, और इनमें योगदान क्या था इन सब का, और लास्ट में इनकी लिमिटेशंस क्या थी, सीमाएं क्या थी, ठीक है, ये देखेंगे हम यहाँ पे। सो अब देख लेते हैं फर्स्ट फेज, जिसको पहले प्रथम चरण भी बोलते हैं, 1885 से 1905, और इसको जो बोलते हैं नरमपंथी युग भी बोलते हैं हम, नरमपंथी युग, क्योंकि इसमें प्रभुत्व नरमपंथियों का ज़्यादा था, ठीक है। और इसके जो प्रमुख नेता थे, प्रमुख नेता में आता था दादा भाई नारोजी, दादा भाई नारोजी पहले, दूसरे फिरोज शाह मेहता, तीसरे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, चौथे बद्रुद्दीन तैयब जी। ये चार मुख्यतः जो जाने जाते थे, और भी थे लेकिन मुख्यतः ये चार नेता जिनसे नरम दल की पहचान थी। और जो इनकी, अब देख लेते हैं इनकी विचारधारा कैसी थी, विचारधारा कैसी थी नरमपंथियों की, ठीक है। एक तो ये इनकी विचारधारा ये थी कि मतलब ये अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। न्यायप्रियता क्या मतलब, जो अंग्रेजों का शासन है वो अच्छा है, लेकिन और ब्रिटिश शासन और देवी वरदान है एक तरह से भारतीयों के लिए, क्योंकि वो एक तरह से उनको शिक्षा दे रहे हैं, काफ़ी चीज़ें दे रहे हैं, इसीलिए एक तो वो मानते थे अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे, और भारत के लिए ये देवी वरदान है ब्रिटिश शासन, और भारतीय जनता में पहली तो, और तीसरा तीसरा ये था कि मतलब इनकी विचारधारा ये थी कि भारतीय जनता में राजनीतिक चिंतना का विकास नहीं हुआ है, इसीलिए राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल नहीं करना चाहिए इनको, ठीक है। और चौथा था कि मतलब भारतीयों का शैक्षण विकास किया जाना चाहिए। और ये क्या करते थे, मतलब वो अंग्रेजों से प्रार्थना के जरिए यापन पत्र देते थे, सम्मेलन के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ाना चाहते थे, मतलब अहिंसा, टोटली अहिंसा के मतलब माध्यम से चलते थे, और एक तरह से अंग्रेजों से प्रार्थना प्रार्थना के जरिए वो बदलाव चाहते थे इनके शासन में, और राष्ट्रीय आंदोलन में सभी धर्म के लोग को शामिल करना चाहते थे। तो ये एक तरह से धर्मनिरपेक्ष की ज़्यादा बातें करते थे। अब इसमें देख लेते हैं, ये तो विचारधारा थी इसकी, ठीक है, अंग्रेजों को मानते सही थे ये, लेकिन उनके शासन में थोड़ा सुधार चाहते थे, बस इतना था ये। अब इनका योगदान क्या था, मतलब क्यों इम्पोर्टेंट थे ये, ठीक है, योगदान भी होगा विचारधारा तो योगदान भी होगा, और सीमाएं भी जरूर होंगी। योगदान तो क्या था इनका, जो शुरू में राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने उसे संगठित करा था पूरे आंदोलन को, ठीक है, स्टार्टिंग में जो भी फेज था सबको इकट्ठा करा और उसको वो करा, और राष्ट्रीय आंदोलन को धर्मनिरपेक्ष रूप दिया था, कोई वो नहीं हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, सब बराबर है, अच्छे सारे धर्म, और राष्ट्रीय आंदोलन को अंग्रेजों के जो वो दमन था, क्योंकि ये प्रार्थना के जरिए करते तो अंग्रेजों को भी इनसे खतरा नहीं था नरमपंथियों से, इसीलिए अंग्रेजों के दमन से बचाने में सफल रहे थे ये वाले, ये मतलब ये नरमपंथी राष्ट्रीय आंदोलन को। और इन्होंने जैसे कुछ महत्वपूर्ण वो दी सिद्धांत भी, जैसे धन का निष्कर्षण सिद्धांत, ठीक है, और जो कि दादाभाई नौरोजी ने दिया था, इसको लोकप्रिय बनाया था, और यही कारण था कि इस दौर को राष्ट्रीय आर्थिक राष्ट्रवाद का दौर कहते हैं, और इन्हीं के कारण कहना पड़ेगा, लेकिन मतलब ये तो था नहीं, इन्हीं के कारण ब्रिटिश सरकार ने कुछ सुधार किए थे, जैसे 1886 में
1886 में लोक सेवा आयोग का गठन किया था। 1892 में भारत शासन भारत काउंसिल एक्ट 1892 में पारित हुआ था। 1896 में वेल्वी कमीशन बनाया था। एक इम्पोर्टेंट है, वेल्वी कमीशन कब बनाया था? 1896 में, 1896 में। और ये क्या था? ये एक तरह से एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर रिफॉर्म कमीशन था, ठीक है। व्यय को किस प्रकार कम किया जाए, कमीशन व्यय सुधार आयोग, ठीक है। एक ये था आयोग, ठीक है। और अब ये तो इनकी हो गई योगदान, अब इनकी सीमाएं भी होंगी। सीमा क्योंकि इसीलिए तो ये गर्मपंथी अगले दौर में आए, तो इनकी क्या सीमाएं थी? पहली सीमा तो ये थी कि ये अंग्रेजी शासन था, उसका वास्तविक स्वरूप को उजागर नहीं कर पाए थे ये वाले बंदे। मतलब उनको मानते थे, अच्छा मानते थे, लेकिन जो मेन उनका जो मोटिव था अंग्रेजों का, उसको जनता के सामने ला नहीं पाए। और राष्ट्रीय आंदोलन को एक तरह से जन आंदोलन नहीं बना पाए, मास मूवमेंट कहते हैं जिसे, ठीक है। और इनकी अधिकतर मांगे उच्च वर्ग के लिए थी, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लिए ज़्यादा इन्होंने कुछ करा नहीं उन्होंने, ठीक है। तो जनता भी इनसे ज़्यादा अपेक्षाएं रखने से कतराती थी, ठीक है। और तीसरा, तीसरा तो हो गया ना, मतलब ये वाला। और चौथा, ठीक है, नरमपंथियों का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान अंशकालीन रहता था, मतलब इतना ज़्यादा उनका योगदान रहता नहीं राष्ट्रीय आंदोलन में, ठीक है। पार्ट टाइम था, मतलब जो कर लिया तो कर लिया, नहीं करा तो नहीं करा, बस वही चीज़ है। और इनकी जो मतलब लिबरल पॉलिसीज थी, अनु अनु अनुयाय और विनय की जो नीति थी, लिबरल पॉलिसीज, राजनीतिक भिक्षावृत्ति की नीति, और से युवा निराश होते थे, मतलब कि मतलब एक तरह से भीख मांग रहे हैं, मतलब उनके शासन, मतलब ये जो हक है उनका, उसी को मतलब एक तरह से ये प्रार्थना पत्रों से मतलब मांगते थे कि मतलब हमको दे दिया जाए। तो इसीलिए जनता मतलब जो युवा वर्ग थे इनसे खफाते थे, और युवा इंटरेस्ट भी नहीं लेते थे इनमें। तो इसी कारण फिर आया सेकंड चरण, सेकंड चरण या द्वितीय चरण जो भी बोलते हैं, 1905 से 1919, इसमें काफ़ी चीज़ें हुई। अब इसमें जो है गरमपंथी नेताओं का वर्चस्व था, और जो प्रमुख नेता थे, प्रमुख नेता बाल लाल और पाल, ठीक है, ये तो मुख्य थे। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, और एक थे अरविंद घोष भी थे इसमें, अरविंद घोष, ठीक है। और इनके उदय के कारण क्या थे कि मतलब गर्मपंथियों का एक तो डिक्लाइन हुआ, और इनके उदय क्यों हुए ये वाले, ये जो उन ये जो नरमपंथियों की राजनीति भिक्षावृत्ति थी, उसको जनता ने एक तरह से नामंजूर कर दिया था। और जनता चाहती थी कि कोई ऐसे लोग आए ताकि मतलब वो हक दिलाएं। तो वो थे क्या बोलते हैं, इसीलिए गरमपंथी का उदय हुआ, ठीक है। और विवेकानंद स्वामी, स्वामी दयानंद सरस्वती के कारण भारतीय जो प्राचीन संस्कृति थी उसकी महिमा मिली, और जिसने भारतीयों का आत्मविश्वास बढ़ाया, इसका कारण ये भी था जो उड़ करने का। और भारतीयों में अकाल पड़ रहे थे, 1899 में अकाल पड़ा था, प्लेग पड़ा था 1899 में, ठीक है। और स्थिति थी, और ब्रिटिश सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही थी, और लोग जनता काफ़ी त्रस्त हो चुकी थी उनके शासन से, और वो परिवर्तन चाहती थी, ठीक है। और कर्जन की जो नीतियाँ थी भारत के खिलाफ, उसमें उससे भारतीयों में गुस्सा था। जैसे कि कर्जन की नीतियाँ क्या थी, कर्जन की नीतियाँ, ठीक है, एक तो था यूनिवर्सिटी एक्ट पारित करा था 1904 में, कलकत्ता नगर निगम कॉरपोरेशन एक्ट पारित करा था, बंगाल विभाजन कर दिया था। बंगाल विभाजन के कारण तो पूरा वो था, आशुतोष था लोगों के बीच, ठीक है। और इस समय पूरे समाज में उग्र राष्ट्रवाद की लहर चल रही थी, और विश्व की कई घटनाओं ने भारतीयों को भी प्रभावित किया। जैसे कि विश्व में और भी चीज़ें चल रही थी, क्या क्या चल रही थी, जैसे 1895 में जापान ने चीन को हरा दिया था, चीन को हरा दिया था। 1896 में इथोपिया जो इतना सा वो उसमें है, थी सॉरी ये क्या हुआ, इथियोपिया, 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 ठीक है। इसने क्या करा, इसने इटली पर विजय कर ली थी, इटली पर विजय प्राप्त कर ली थी, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देश था 1896 में, ठीक है। 1905 में जापान ने रूस को हरा दिया, और रूस को जापान ने 1895 में चीन को हराया, फिर रूस को, इतने बड़े देश को हरा दिया। एक इतना सा देश
जो कि मतलब इतने बड़े बड़े देशों को हरा रहा है, तो मतलब लोगों में आत्मविश्वास बढ़ा कि ये अंग्रेजी शासन भी हमारे लिए वो है वरदान नहीं, ये तो एक तरह से श्राप है। तो लोगों ने सोचा इसको मतलब हटाया जाए किस प्रकार के, और स्वशासन का वो चाहते थे मतलब उनके हाथ में जाए। और 1902 में एक बोअर विद्रोह हुआ था, बोअर बोअर विद्रोह कहाँ हुआ था, ये हुआ था डच किसानों द्वारा किया गया था साउथ अफ्रीका में, और पॉल क्रूगर इसके जो नेतृत्व करता थे, इसके नेतृत्व करता थे पॉल क्रूगर, ठीक है, इनके नेतृत्व में डच किसानों ने अंग्रेजों को संघर्ष किया था अंग्रेजों से। अब देख लेते हैं गरम पंथियों की विचारधारा क्या थी, गरम पंथियों की विचारधारा। पहली बात, पहला तो ये तो देख, जो ब्रिटिश शासन था वो साम्राज्यवादी औपनिवेशिक प्रगति की था, तो मतलब ये लोगों को सामने यही बताते कि मतलब ये अंग्रेज हमारा भला नहीं बुराई करने के लिए आए हैं वाले, ठीक है, तो लोगों में एक आशा जगी, ठीक है। फिर भारतीय जनता में राजनीतिक चेतना नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल करना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी जिम्मेदारी लाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये वो करते थे। तीसरा, ये स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करते थे और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए, एक तो ये थी इनकी वो मांग, ठीक है, विचारधारा में ये सम्मिलित था। और राष्ट्रीय आंदोलन में धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस धार्मिक आंदोलन से जुड़ें। तो जैसे 1893 में इन्होंने गणपति महोत्सव पर 1893 में गणपति महोत्सव करा था, जो कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा कराया था। 1895 में वो शिवाजी महोत्सव करा था इन्होंने, बाल गंगाधर तिलक ने। और ये क्या करते थे, ये जैसे वो तो करते थे प्रार्थना पत्र अनुवैध, हाँ, मतलब वो लिबरल पॉलिसी के माध्यम से मतलब उनको लेटर देते थे नरममती, लेकिन ये क्या करते थे, ये हड़ताल करते थे, हड़ताल के जरिए, जुलूस के जरिए अंग्रेजों का अपने अंग्रेजों को वो दिखाते थे, अपना रोष दिखाते थे, जो भी है विरोध करते थे उनके चक्कर में, ठीक है। अब इनका भी योगदान होगा कुछ, इनका योगदान क्या था, तो मुख्यतः योगदान इनका यही था कि मतलब ब्रिटिश शासन का वास्तविक स्वरूप लाए, तो एक तो जनता के सामने, दूसरा राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन बनाया इन्होंने, जो जिन उनकी गरम पंथियों की कमियां होंगी वही इनके योगदान होंगे। तीसरी, पहली बार इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराज की मांग करी थी। चौथी बात, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार से जो इन्होंने जो स्टार्ट करा था विदेशी लोगों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, तो जो स्वदेशी उद्योग थे उनको फायदा होने लगा, तो लोग इनसे अधिक और अधिक जुड़ने लगे, ठीक है। स्वदेशी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई जिससे समाज में शिक्षा का प्रचार हुआ, प्रचार प्रसार हुआ। और व्यक्तिगत, ये मतलब क्या करते थे, खुद व्यक्तिगत त्याग करते थे और बलिदान का उदाहरण पेश करते थे ताकि लोगों में उत्साह रहे कि मतलब हमारे जो नेता हैं वो खुद त्याग कर रहे हैं तो हमको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। और इसी का एग्जाम्पल है तिलक, पहले राजनेता थे जो पहली बार जेल गए थे, ठीक है। अब इनकी देख लेते हैं, योगदान तो हो गया, अब सीमाएं भी कुछ होंगी, ठीक है, सीमाएं लिमिटेशंस। पहली चीज ये थी कि मतलब इन्होंने आक्रामक नीति अपनाई थी, आक्रामक नीति के कारण अंग्रेजों का ध्यान इन पे आ गया था और इनके जो राष्ट्रीय आंदोलन थे उनको दमन कर दिया था अंग्रेजों ने, ठीक है, मतलब ज़्यादा आसानी से। फिर सेकंड, जो जो ये थे गर्मपंथी, ये नरमपंथियों की भी आलोचना करते थे, इसीलिए जब अंग्रेजों ने गर्मपंथियों का दमन करा तो नरमपंथियों ने भी गर्मपंथियों का साथ नहीं दिया, ठीक है, इस वक्त पे। तो एक तरह से फूट डालो राज करो कि अंग्रेजों की नीति वही होगी, और मतलब ठीक है। और इन्होंने धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करा था, जो नरम दल वो करते थे धर्मनिरपेक्ष चलाते थे, वो ये धार्मिक आंदोलन एक तरह से वो करने लग गए थे ये वाले। तो जो मुस्लिम समुदाय था उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन से इतना ज़्यादा जोड़ नहीं सके जितना वो जोड़ा था नरमपंथियों ने, और जो गर्मपंथी थे वो आपस में संगठित नहीं थे ये वाले सारे, ठीक है। तो मतलब अलग अलग, किसी का विचार अलग, किसी का विचार अलग, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो टोटली डिफरेंट डिफरेंट सोच थी सभी की। तो यहाँ तक तो हो गया गर्मपंथी नरमपंथी। अब देखेंगे जो कुछ कुछ चीज़ें हुई थी मुख्य मुख्य, जैसे स्वदेशी आंदोलन हुआ था इसमें, तो उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी तक के लिए थैंक यू।